राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर और ब्यावरा विधायक रामचंद दांगी और उनके समर्थकों द्वारा आज ब्यावरा सिटी थाने में ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि इस कोरोना महामारी में जो सरकार नाकाम हुई और उनकी नाकामी के कारण प्रदेश में जो मौतें हुई हैं, ना तो सरकार मौतों का सही आंकड़ा बता पा रही है और ना ही मरने वालों को किसी भी योजना का लाभ मिल पा रहा है। सरकार के इस लाचार रवैये से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार की इस लापरवाही से जो भी मौत हुई है, इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके चिकित्सा मंत्री प्रभुराम चौधरी, समस्त प्रभारी मंत्रियों, लापरवाह अधिकारियों पर धारा 304 का प्रकरण दर्ज किया जाए और पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव, युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव लक्की दांगी उपस्थित रहे। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। एक आवेदन देना है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो जिम्मेदारियां थी और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और प्रदेश में मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे, जबकि वास्तविकता से कई गुना ज्यादा मौतें हो रही, लेकिन सरकार जानबूझ के कम बता रही, जानबूझ के अस्पताल में व्यवस्था नहीं की, दवाई की व्यवस्था नहीं की, इससे हमारे हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मध्य प्रदेश में जाने गई है। उसके विरोध में आज हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी थाने में हमने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया शिवराज सिंह जी के खिलाफ, उनके जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ 304, 420 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि इस प्रदेश को सही बात पता लग सके, प्रदेश के सामने सही चीज आ सके। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 1,00,000 रुपया मृतक परिवारों को देंगे और आज के टाइम हम देख रहे हैं कि किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा कोविड का और किसी की बहुत कम संख्या बताई जा रही, कैसे लोगों की मदद सरकार करेगी? यहां भी सरकार झूठ बोल रही, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो सच बात की है इंडियन कोविड वाली बात पर, उनके खिलाफ इस प्रदेश में एक झूठा प्रकरण दर्ज किया है। ये इसलिए किया गया ताकि इनकी जो सच्चाई जो कमलनाथ जी ने बताई है वो दब जाए, वो खुद अपने आप को सही साबित कर सके। इन सबके विरोध में आज हमने शिवराज सिंह जी के खिलाफ ज्ञापन दिया, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आज नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो हमने आवेदन दिया, कल जब हमारी सरकार बनेगी यही शिवराज सिंह जी के खिलाफ मुकदमा निश्चित रूप से दर्ज होगा, इसी बात का ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ये उस दिन काम आएगा। भाई साहब, आना आप आपदा प्रबंध समिति के मेंबर भी हैं और इसलिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? हमने उठाया है, हमारे मुखिया कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में उठाया है और आप देख लीजिए कि सरकार सही बात को दबाने के लिए इस तरह के कुछ सत्र चल करके कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। हम हर जगह ये बात उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश के नेता ने उठाई है और आगे भी इस बात को हम जनता के सामने अब सड़कों पर लाएंगे, क्योंकि कोरोना का संकट था, हम लोगों की मदद करने में लगे थे, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने में लग रही थी, इसलिए हमने दूसरे काम नहीं करते हुए लोगों की जान की रक्षा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन अब जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाएंगे ताकि जनता को सही बात पता लग सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।